Hi guys, this is Ankara from Junior Studies Channel. Don't mug up, try to build a rational and logical study. तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जी इंजीनियरिंग ड्राइंग के टूल पे, टूल का एमसीक्यू डिस्कस करने वाले। इससे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि हमने इससे पहले बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के सारे लेक्चर खत्म कर चुके हैं जी। उसका अब टेस्ट चल रहा है आपको, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का भी चल रहा है, एमसीक्यू आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी चल रहा है, तो आप वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर का एक प्लेलिस्ट बनाया जा चुका है, आप वहाँ पर जा देख सकते हैं जी। इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपको एक प्लेलिस्ट बना चुका है जो मेरे जीनियर स्टडी नए चैनल है वहाँ पे आपको अवेलेबल होगा, ये यहाँ पे नहीं मिलेगा। जीनियर स्टडी चैनल जो मेरा नया वाला है वहाँ पे जाइए, इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पे सारे वीडियो डाले गए हैं जी इंजीनियरिंग ड्राइंग के, वहाँ पे आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के सारे लेक्चर मिलेंगे जी। मैं बता देना चाहूँगा इसके अलावा करंट अफेयर का प्लेलिस्ट बना देगा, आप वहाँ पे करंट अफेयर देखिए। केवल करंट अफेयर में एस सीरीज जो है आपको केवल जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो एग्जाम करंट में चल रहा है उसमें करंट से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे आपको दिल्ली का हुआ है, यूपी का हुआ है, फॉरेस्ट गार्ड का, आपको हरियाणा का हुआ है, उसके बाद बिहार एस एस सी हुआ है, तो ये सब जो भी पेपर थे आपको, फिर से जुडिशियरी का पेपर हुआ है, उसमें जो करंट का क्वेश्चन पूछा गया वही क्वेश्चन, और ग्रुप डी एएलपी और टेक्नीशियन का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सब डिस्कस किया जा रहा है जी। एस सीरीज है करंट अफेयर का, तो उसको जरूर आप फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, उसके बगल में बेल आइकन दिख रहा है उसको आप क्लिक कर दें, ताकि आपको मैं जब भी वीडियो प्रीमियम करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल चले। चलिए जी, इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। बोल रहा है पहला क्वेश्चन है, एक्यूरेसी ऑफ द ड्राइंग डिपेंडेंस ऑन द क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। देखिए एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करता है ड्राइंग का जी, तो किस पे डिपेंड करता है, तो इंस्ट्रूमेंट पे क्वालिटी पे डिपेंड करता है, तो यस सही है जी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि देखिए फैक्टर जो है एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है, करेक्टनेस है, ये किस पे डिपेंड करता है जी, तो ये सब हमारे क्या है क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है, इसलिए हम बोल सकते हैं क्या है ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज मेड थिन स्ट्रिप ऑफ वुड अरेंज इन ए लाइन ऑफ फॉर्म ए रेक्टेंगुलर एंड ऑन विच द ड्रॉइंग इज मेड। बोल रहा है कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है जो थिन स्ट्रिप ऑफ वुड, बोल रहा है कि बहुत सारे स्ट्रिप जो पट्टी जो है आपको लकड़ी की पट्टी से क्या किया जाए अरेंज करने के बाद बनाया गया है, और उसको क्या है एक लाइन में सजाने के बाद क्या हो जा रहा है जी, आयताकार हो जा रहा है, तो उस ड्रॉइंग का क्या नाम है जी, तो आपको भी बताया ड्रॉइंग बोर्ड का क्या नाम है जी, तो क्या मेरा है ड्रॉइंग बोर्ड है। ड्रॉइंग बोर्ड में क्या होता है जी, ड्रॉइंग बोर्ड में मैं बता देना चाहूंगा क्या होती है, बहुत सारी पट्टियां होती है, उसको क्या करता है बैटन के थ्रू कैच किया जाता है जी, कनेक्ट किया जाता है, जिससे क्या होता है ड्रॉइंग बोर्ड बनता है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्ट्रिप ऑफ वुड्स मतलब क्या है जी, लकड़ियों की पट्टी है जिसको क्या किया अरेंज करके क्या बनाया गया, एक रेक्टेंगुलर बनाया गया, किसकी हेल्प से, तो बैटन की से पिंच करके बनाया गया जी। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री में बोला है विच ऑफ फॉलोइंग टूल इज यूज टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। बोला है कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए कौन सा होता है, तो आपको भी पता है कौन सा होता है, टी स्क्वायर होता है हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। मिनी ड्राफ्टर जो है हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ करता है, वर्टिकल भी ड्रॉ करता है, इंक्लाइंड भी ड्रॉ करता है जी, ठीक है ना। प्रोटेक्टर क्या है जी, प्रोटेक्टर क्या होता है चांदा होता है, जो किसे क्या होता है एंगल बनाते हैं, इसमें क्या होता है एंगल मेजर करते हैं। प्रोटेक्टर कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, कौन कौन प्रोटेक्टर होते हैं जी, तो आपको एक सेमी सर्कल होता है, एक फुली सर्कल होता है जी। फ्रेंच कर्व क्या होता है, फ्रेंच कर्व क्या होता है, आपको फ्रेंच कर्व होता है जो कर्व लाइन खींचना होता है उसे फ्रेंच कर्व खींचते हैं जी। चलिए सारे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं जी, आप उसको पढ़ लीजिएगा। देखिए टी स्क्वायर में बात की जाए तो क्या होता है, एक स्ट्रोक होता है, एक क्या होता है जी ब्लेड होता है, कभी कभी स्ट्रोक को हेड भी बोला जाता है, ब्लेड को पटल भी बोला जाता है हिंदी में, तो उसको ध्यान रखिएगा जी। तो बोलता है कि हॉरिजॉन्टल एंड ड्रॉ किसे किया जाता है, तो उसको क्या किया जाता है वर्किंग एज होता है। देखिए ब्लेड में क्या होता है, एक ऊपर वाला किनारा होता है, एक नीचे वाला किनारा होता है, उसमें क्या होता है दो, एक अपर वर्किंग एज होता है, एक लोअर वर्किंग एज होता है। आपको वीडियो मैं बता देना चाहूँगा, जिनको भी वीडियो नहीं समझ में आ रहा होगा पहले जाएँ इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के प्ले लिस्ट में और इंजीनियरिंग ड्रॉइंग का लेक्चर देखें, उसके बाद ही उनको एक समझ में आएगा जी। तो आप जीनियर स्टडी चैनल पर जा सकते हैं, सॉरी विच ऑफ फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू ड्रॉ एक्यूरेट परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइंस, एंगुलर लाइन। अभी मैंने बताया है कि देखिए परपेंडिकुलर लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, पैरेलल लाइंस, एंगुलर, किसी भी लाइन पर ड्रॉ करना है तो क्या होगा जी, मिनी ड्राफ्टर होगा, मैं अभी बताया था, वहीं आंसर क्वेश्चन पूछा है। तो मिनी ड्राफ्टर जो है आपको टी स्क्वायर का भी काम करता है, प्रोटेक्टर का भी करता है जी, और सेट स्क्वायर तीनों का काम कर देता है। तो मिनी ड्राफ्टर ओवरऑल क्या करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करेगा, परपेंडिकुलर लाइन भी करेगा, इंक्लाइन लाइन भी ड्रॉ करेगा जी, और पैरेलल लाइंस भी ड्रॉ कर देगा। अगर हॉरिजॉन्टल में पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना है या परपेंडिकुलर में करना है तो भी ड्रॉ कर देगा। कंसिस्ट ऑफ ब्लेड, देखिए बोला है मिनी ड्राफ्टर क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ ब्लेड, प्रोटेक्टर, हेड, डबल बार क्लिंग मैकेनिज्म, स्क्रू और क्लैंप। क्या होता है जी, ये बोल रहा है कि उसमें क्या क्या होता है, प्रोटेक्टर में क्या होता है जी, उसमें प्रोटेक्टर होता है, ब्लेड होती है,
हेड होते हैं, लिंक होता है मैकेनिज्म, कैसा डबल बार लिंक होता है, डबल बार लिंक होता है ठीक है ना, उसमें चार क्या होती है जी आपको कनेक्टेड लाइंस होती है, दो डबल डबल होती है, और स्क्रू होता है, क्लैंप होता है जो उसको क्या होता है जी आपको फिक्स करने के लिए होता है जी, तो इसको किसको बोलते हैं, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में सब यूजी होता है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ISI, विच अमंग द फ्लोइंग डिजनरेटर हैज द साइज इतना है, बोल रहा है किसका साइज इतना होता है। देखिए जी ये ड्राइंग बोर्ड का बात बोल रहा है, तो ड्राइंग बोर्ड की बात की जाए तो पहले क्या होता है, जो सबसे बड़ा साइज होता है 1500, फिर से 1000, 700, 500, 350। तो अब देखिए 1500 1000 हो गया, फिर से 1000 और 700, तो दूसरा हो जाएगा ना, तो B1 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा जी, B1 हो जाएगा, क्योंकि 1500 1000 B0 हो जाएगा, B1 क्या हो जाएगा 1700 हो जाएगा। और ऐसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बात कीजिए B0 क्या हो जाएगा जी, देखिए 1500 1000 है B0, उसके बाद B1 क्या हो जाएगा 1700 हो जाएगा जी, फिर से B2 क्या हो जाएगा 700-500 हो जाएगा जी, फिर से B3 क्या हो जाएगा जी 500-350 है, ये 350 है जी, 300 गलती से लिखा गया, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। चलिए तो ये मेरा क्या है ड्राइंग बोर्ड का साइज है। और ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए B0 से B5 की तरफ जाते हैं तो ड्राइंग बोर्ड का साइज घटता है कि बढ़ता है, तो क्या होता है जी घटता है साइज, साइज क्या होता है जी घटता है। वैसे ही वर्क्स आपको ड्राइंग शीट में क्या होता है जी, वैसे ही साइज A0 से जब हम जाते हैं A4 की तरफ तो क्या होता है साइज घटता है जी ड्राइंग शीट में भी, इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है जी। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिविजन करें और पहले वीडियो देखें, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगी जी। बोला विच ऑफ द मोस्ट कॉमन टूल यूज फॉर ड्राइंग सर्कल, बोला विच ऑफ मोस्ट कॉमन टूल यूज फॉर ड्राइंग सर्कल, इसमें कौन सा है जो ड्राइंग सर्कल करता है जी, सर्कल बनाने के लिए कौन सा टूल यूज किया जाता है, तो आपको पता है कंपास होता है, कंपास क्या होता है जी प्रकार होता है, प्रकार से क्या करता है सर्कल ड्रॉ करता है। आपको बताने जाए जी कंपास भी कितने तरह के होते हैं जी, तो लो बोन होता है, लेंथनिंग बार कंपास होता है, तो वो सब कंपास क्या होते हैं जी, उससे हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं, बड़े सर्कल वो सर्कल वो कंपास से हम लोग स्मॉल सर्कल ड्रॉ करते हैं जो 25 mm तक रेडियस का होता है, और उससे ज़्यादा वाले को लेंथनिंग बार कंपास से हम लोग ड्रॉ करते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं छोटे और बड़े दोनों सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं जी। लेंथनिंग बार का देखिए इमेज जाइए जी, आपको वीडियो लेक्चर में इतने मस्त इमेज दिखाए गए हैं, आप खुश हो जाएगा देखकर कि सारे प्रैक्टिकल चीज़ें बनाए गए हैं, वो बहुत एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा बनाए गए हैं, जाइए आप देखिए उनको, और सर जो बनाए हैं धर्मा सर बहुत अच्छे बना रहे हैं, वीडियो लेक्चर मैंने उनका देखा भी है, बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए तो कंपास इज, चलिए अगर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। फॉर द ड्राइंग सर्कल विथ लार्ज रेडियस विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज, बोल रहा है ड्राइंग सर्कल, फॉर ड्राइंग सर्कल विथ लार्ज रेडियस, लार्ज रेडियस वाले यानी बड़े त्रिज्या वाले सर्कल बनाएंगे, किसे बनाएंगे तो लेंथनिंग बार, अभी बताएं जी लेंथनिंग बार से क्या होता है बड़े सर्कल ड्रॉ किया जाता है, वो कंपास से क्या किया जाता है तो छोटे वाले को सर्कल को ड्रॉ किया जाता है जी। डिवाइडर क्या होता है तो आपको पता है डिवाइडर क्या होता है जी, एक हम लोग क्या करते थे बचपन में स्केल को मेजर करते थे, उसके बाद क्या करते थे कॉपी में वहीं क्या करते थे मार्क करते थे, तो क्या होता है लेंथ क्या होता है डिस्टेंस ट्रांसफर यानी मेजरमेंट ट्रांसफर करने में होता है जी। प्रोटेक्टर क्या होता है जी, प्रोटेक्टर आप जानते हैं चांदा होता है, तो वहीं बोला लेंथनिंग बार क्या है जी प्रोविजन है, क्या करता है इंक्रीजिंग रेडियस जब बड़ा होता है उसको क्या करता है उसको करता है जी उससे लेंथ, देखिए बार में लेंथनिंग बार क्या होता है लेंथ उसको क्या करता है बढ़ा देता है जी, रेडियस को बढ़ा देता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं ड्रॉ ज़्यादा करते हैं बड़ा सर्कल का जी। चलिए अब बोला है विथ हेल्प ऑफ ड्रॉइंग वेरी लार्ज सर्कल विथ हेल्प ऑफ द मीडियम साइज कंपास, मीडियम साइज कंपास से क्या करते हैं लार्ज सर्कल को क्या करते हैं ड्रॉ कर लेते हैं जी, इससे हम लेंथनिंग बार की हेल्प से कर लेते हैं जी। Which of following drawing tool is used to architect for making blueprint? Blueprint बनाने के लिए कौन सा drawing यूज किया जाता है जी, तो बता देखिए drawing बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है जी, तो ink pen का यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है तो ink pen का यूज किया जाता है, तो वहीं बोला drawing pencil का तो आपको drawing बनाने में किया जाता है, blueprint बनाने में किसका यूज किया जाता है ink pen का, तो final जब drawing board बन जाता है उसको बनाने के लिए किसका यूज करते हैं तो ink pen का जाता है। बोला ink pen इज drawing blueprint ऑफ द आर्किटेक्ट और ड्राफ्टर, ठीक है ड्राफ्ट्समैन और आर्किटेक्ट क्या करते हैं जब फाइनल blueprint बनाता है तो ink pen से बनाते हैं। दे यूज टू ड्रॉ लाइन इन टू द ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर क्या कहते हैं जी लाइन ड्रॉ करते हैं, दे यूज टू मार्क मेकिंग द फाइनल ड्राफ्ट टू द ड्रॉइंग मेड विथ मेड इन पेंसिल, जो पेंसिल के द्वारा जो फाइनल ड्रॉ बनाया गया रहता है उसको क्या करते हैं जी इंक पेंस के हेल्प से क्या करते हैं जी लीड करते हैं, क्या करते हैं ट्रेस करते हैं जी। ड्रॉइंग पेंसिल हैज जनरली लीड
विच ड्रॉन ऑन पेपर कैन बी इरेज, और जो हमारा जो ड्रॉइंग पेपर पे जो पेंसिल से होता है वो क्या हो सकता है, ड्रॉ इरेज हो सकता है, इसलिए क्या होता है उसको परमानेंट बनाने के लिए क्या करता है, इंक पेन से क्या किया जाता है, बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन हमने आया था, विच अ फॉलोइंग ड्रॉइंग टूल इज नॉट यूज टू सेट ड्रॉइंग शीट ऑन द ड्रॉइंग बोर्ड, बोला है ड्रॉइंग टूल कौन सा नहीं यूज किया जाता है ड्रॉइंग शीट पे, ड्रॉइंग बोर्ड पे जी कौन सा टूल नहीं किया जाता है। देखिए ड्रॉइंग बोर्ड से, ड्रॉइंग जो शीट मेरा है, ड्रॉइंग शीट को हम क्या करेंगे, ड्रॉइंग बोर्ड से क्या करेंगे, चिपकाने के लिए यूज करते हैं। तो किस से चिपका सकते हैं, तो क्लिप से चिपका सकते हैं, जहाँ क्लिप लगा के चिपका सकते हैं, पिन से चिपका सकते हैं, हाँ जी पिन से क्या कर सकते हैं उसको हम लोग उसमें चुभा के क्या कर सकते हैं, लकड़ी में चुभा देते हैं और क्या होता है उसके बीच पेपर आ जाता है। और टेप से भी क्या करते हैं, जैसे चिप से क्या चिपकाने, चिप से भी क्या कर सकते हैं, चिपका सकते हैं, लेकिन जो डिवाइडर है उससे हम लोग नहीं चिपका सकते जी। ड्रॉइंग शीट को हम लोग ड्रॉइंग बोर्ड में डिवाइडर से नहीं चिपका, डिवाइडर क्या करता है जी, वो तो डिस्टेंस मेजर करने के यूज़ किया जाता है। तो डिवाइडर टूल यूज टू रिप्लीकेट द डायमेंशन, तो डिवाइडर टूल क्या होता है, ये क्या होता है, डिस्टेंस जो मेजर करते हैं उसको क्या करता है, रिप्लीकेट करता है या ट्रांसफर करता है जी, एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है, ट्रांसफर करता है, रिप्लीकेट करता है, रिपीट करता है। और ड्रॉइंग क्लिप, ड्रॉइंग पिन और एडहेसिव टेप क्या होता है, यूज टू अटैच द ड्रॉइंग शीट ऑन टू द ड्रॉइंग बोर्ड, ड्रॉइंग बोर्ड पर क्या होता है चिपकाने का काम करता है। अटैचमेंट आर टेम्पोररी अटैचमेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ड्रॉइंग बोर्ड, ये टेम्पोररी अटैचमेंट होता है, ये नहीं कि परमानेंट अटैच है, एक बार अटैच किए फिर से ड्रॉइंग बना लिए फिर से उसको वहाँ से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ऐसा होना चाहिए जी। तो चलिए क्वेश्चन हमारा 10 में, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड ISI द साइज डिजिग्नेटेड टू 80 mm, देखिए जी बात की जाए तो ये मेरा क्या है जी, ए जीरो का है, ए जीरो ड्रॉइंग शीट का है, ए जीरो से हाफ इसका कीजिएगा तो कौन सा जाएगा, ए वाला, ये क्या हो जाएगा जी, ए वन हो जाएगा, इसका भी हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, इसका हाफ करेंगे तो इसका हाफ करेंगे, देखिए ए जीरो है, ए वन है, फिर से इसका हाफ करेंगे तो 420 या 500 क्या हो जाएगा जी, ए टू हो जाएगा, और फिर से इसका भी हाफ कर देंगे तो ए थ्री हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ए हो जाएगा। चलिए जी यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको पूरा पढ़ देता हूँ, ए जीरो से लेकर, देखिए जी ये क्या है, ए जीरो है, ठीक है, इसमें क्या कि इसको हाफ कर दिए तो क्या हो जाएगा जी, इसको हाफ यहाँ पे कर दिए इस वाले को और ये दूसरा यहीं रह जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा ए वन हो जाएगा, इसको फिर से हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी, ए टू हो जाएगा, इसको हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ये आ गया ए टू हो गया, फिर से इसको हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी, ए थ्री हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से इसमें क्या करेंगे, इसको हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, ए फोर हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर से क्या जी, इसको हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए फाइव हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं जी, बहुत अच्छा लेक्चर बना हुआ है, आप जाके देखिए धर्मासर का लेक्चर। विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रॉइंग टूल इज यूज टू ट्रांसफर डायमेंशन व्हेन देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ द डायमेंशन, बोल रहा है कौन सा ऐसा ड्रॉइंग टूल है जो जो डायमेंशन को क्या कहता है, ट्रांसफर करता है या रिपीट करता है डायमेंशन को, कौन सा करता था, अभी तो पढ़े हैं जी हम लोग, कौन सा है, डिवाइडर है, तो आंसर सी हो जाएगा। क्या डिवाइडर का काम क्या है, ट्रांसफर डायमेंशन करता है और रिपीटेशन ऑफ द डायमेंशन करता है, या फास्टर मेथड टू यूज अ स्केल मेकिंग द डायमेंशन अगेन, बोला ये फास्टर मेथड है जिससे हम लोग क्या करते हैं कोई भी डायमेंशन को अगेन एंड अगेन क्या करते हैं, रिपीट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं जी। प्रोटेक्टर कैन यूज टू मार्क एंगल एंड कंपास यूज टू ड्रॉ सर्कल, बोल रहा है जी प्रोटेक्टर क्या करता है, मार्किंग एंगल के लिए भी यूज किया जाता है और कंपास क्या इसके लिए यूज किया जाता है जी, टू यूज ड्रॉ सर्कल, कंपास किस लिए और ड्रॉ सर्कल भी करने के लिए किया जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग ग्रेड इज लीड इज द हार्डेस्ट, बोला है हार्डेस्ट कौन सा होता है, सेवन, क्योंकि सेवन भी सॉफ्टेस्ट होता है, हार्डेस्ट क्या होता है 9H होता है, अब 9H तो ऑप्शन में है नहीं, तो सबसे हार्डेस्ट कौन हो जाएगा जी, 6S हो जाएगा, अब ऑप्शन के अनुसार हमको देना है तो 6S हो जाएगा। चलिए तो देखिए 6S इस ऑप्शन के अनुसार हार्ड है, लेकिन सबसे हार्डेस्ट कौन होता है जी, तो 9H होता है, और 7 भी क्या होता है, सबसे सॉफ्ट होता है जी। एच बी की बात करें तो मीडियम होता है, एच का मतलब हार्ड, बी का मतलब ब्लैक होता है जी, और एफ का मतलब होता है फर्म, एफ बी आपका होता है इसमें। चलिए जी अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे, फॉर मेकिंग एंगल विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रॉइंग टूल इज, एक एंगल बनाने के लिए कौन सा यूज करता है जी, प्रोटेक्टर, डिवाइडर, कंपास, तो कंपास का यूज करते हैं जी एंगल बनाने, फ्रेंच कर्व, डिवाइडर, प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर का यूज करते हैं जी, प्रोटेक्टर मतलब क्या होता है, चांदा होता है, क्या होता है एंगल, देखिए मार्किंग एंगल, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, मार्किंग एंगल में, देखिए एंगल बनाने में अगर एंगल बनाना हो तो हम लोग कंपास से बनाते हैं जी और प्रोटेक्टर से भी बनाते हैं, लेकिन एंगल मार्किंग किससे करते हैं, प्रोटेक्टर से करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तो ही आप बना पाएगा। तब प्रोटेक्टर क्या करता है, 0 से 80 डिग्री क्या होता है जी, मेजर होता है, अगर पूरे और देखिए जी सेमी सर्कल में 0 से 80 होता है, लेकिन एक सर्कल फुल सर्कल भी होता है उसमें क्या होता है, उसमें मार्किंग भी होता है 0 से 360 डिग्री तक होता है, तो मार्किंग ऑन द सेमी सर्कल एरिया ऑफ द प्रोटेक्टर, और दोनों साइड से होता है, इधर से भी होता है और इधर से भी होता है,
लिस्ट काउंट ऑफ द प्रोटेक्टर फॉर द एजुकेशनल पर्पस इज 1 डिग्री, बोल रहा है कि सबसे 1 डिग्री से 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का अंतर सब इंडिकेट किया गया रहता है उसमें भी। एक्यूरेसी ऑफ द एंगल इज हाईएस्ट इन प्रोटेक्टर, बोलता है कि प्रोटेक्टर में क्या होती है एक्यूरेसी हाई होती है। देखिए यहाँ पर लिस्ट काउंट क्या है जी 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री का अंतर पर क्या जाएगा सारे एंगल आपको ड्रॉ कर सकते हैं जी। अब देखिए 360 90, ये आपको क्या है जी सेट स्क्वायर है, 45 45 90 एक सेट स्क्वायर है। तो बीच ऑफ फॉलोइंग एंगल इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ, बोला है कौन सा ऐसा इसमें एंगल है जो आप नहीं ड्रॉ कर सकते इस दोनों सेट स्क्वायर की हेल्प से। अब देखिए हमको बताना है 45 डिग्री बना, तो यहाँ 45 डिग्री है जी 45 डिग्री बना लेंगे। 30 डिग्री बनाना है यहाँ से 30 डिग्री मिल जाएगा बना लेंगे। अब 90 डिग्री बनाना है तो 90 डिग्री यहाँ से बना लेंगे। 10 डिग्री जो है नहीं बना सकते, तो आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। बोला बीच ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ड्रॉ लाइन, बीच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ड्रॉ लाइन फास्ट, तो इंस्ट्रूमेंट यूज टू ड्रॉ पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के लिए फास्ट कौन सा है इसमें जी, तो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के लिए रोल एंड ड्रॉ। रोल एंड ड्रॉ क्या होता है जी, रोल करते जाइए और लाइन खींचते जाइए, रोल करते जाइए लाइन खींचते जाइए। इसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल भी लाइन ड्रॉ करते हैं और वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं जी, ठीक है ना। तो ये लिखा है कैन ड्रॉ पैरेलल लाइन एक्यूरेटली एंड फास्ट, दे यूज टू ड्रॉ फास्ट भी बना सकते हैं जी। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है तो हॉरिजॉन्टल में भी पैरेलल लाइंस बना सकते हैं, अगर वर्टिकल में ड्रॉ करना है तो वर्टिकल भी बना सकते हैं, इंक्लाइन में भी करना है तो भी कर सकते हैं जी। तो बोला जनरल डायमेंशन रोल एंड ड्रॉ स्केल इज 30 सेंटीमीटर, बोला यार उसका जनरल डायमेंशन क्या होता है जी, तो 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर होता है। अ स्केल ऑफ रोल इज ऑन द पेपर टू अचीव पैरेलल लाइंस, अ स्केल इज रोल ऑन, तो स्केल क्या होता है उसको रोल करते जाइए और पेपर पे क्या कीजिए पैरेलल लाइंस आप ड्रॉ करते रहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो लाइक अच्छा लगा तो आप जाइए मेरे चैनल पे जीनियर एस्ट्री चैनल पे, और वहाँ पे जाके इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्लेलिस्ट है जी, आप वहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। और तो थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। एंजॉय योर लाइफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।